अब तक सैकड़ों युवा ऐसे जिन्होंने अपना जीवन बदल लिया है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत से युवा ऐसे जिन्होंने अध्यात्म छोड़ दी है। कुछ दोस्तों का प्रश्न था कि आपके पास ब्रह्मचर्य की इतनी पुस्तकें हैं, उनमें से कोई एक पुस्तक कोई लेना चाहे या पढ़ना चाहे तो कौन सी पढ़े। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य का विषय आज के समय में बहुत जरूरी है। बहुत से युवा ऐसे हैं जो अष्टमैथुन करते हैं या फिर किसी अन्य कारण या अन्य वजह से वो वीर्य का नाश करते हैं। अन्य कोई माध्यम भी हो सकता है, जिस तरह से उनकी जो आसपास का रहन सहन है, खान पान है, या फिर उनकी जो तामसिक प्रकृति कहिए या उनके गलत विचार कहिए, व्यायाम न करना, समय पे आहार न लेना, तो बहुत से ऐसे विषय हो सकते हैं। तो एक ऐसी पुस्तक आज आपको मैं बताऊंगा जो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस पुस्तक में मिलेगा। इस पुस्तक के पढ़ने के बाद अब तक सैकड़ों युवा ऐसे जिन्होंने अपना जीवन बदल लिया है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत से युवा ऐसे जिन्होंने अष्टमैथुन छोड़ दी है। देखिए दोस्तों, वैसे तो ब्रह्मचर्य की हमारे पास बहुत सी पुस्तकें हैं। ब्रह्मचर्य संदेश है, ब्रह्मचर्य गौरव है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य अमृत है, ब्रह्मचर्य दुख निवारण दिव्यमणि है, ब्रह्मचर्य के साधन है, विद्यार्थियों की दिनचर्या, विद्यार्थियों का जो दिनचर्या के अंदर तो बहुत सा टॉपिक डाला गया है, बहुत लो प्राइस में पुस्तक है, विद्यार्थी जीवन रहस्य है, इसमें भी बहुत सी बातें कर रखी है राइटर ने, सत्यार्थ प्रकाश में तो है ही ब्रह्मचर्य का विषय, संस्कार विधि और इसके साथ ऋग्वेद भूमिका, कुछ करो कुछ बनो, बहुत है पुस्तक। लेकिन सब में सबसे बेस्ट पुस्तक कौन सी है वो बताते हैं आपको। ब्रह्मचर्य जीवन है, वीर्य नाश मृत्यु है। जी हाँ दोस्तों, स्वामी शिवानंद जी ने इस पुस्तक को लिखा है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रह्मचर्य का विषय एक पुस्तक से नहीं जाना जा सकता, इसके लिए आपको बहुत से टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे, बहुत से ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। वो बिल्कुल सही बात है, फिर भी बहुत से हमारे युवा साथी ऐसे जो सिर्फ एक ही पुस्तक मांगते हैं, तो हम उनको ब्रह्मचर्य ही जीवन बोलते हैं। उसके पढ़ने के बाद उनके जीवन के अंदर जो क्रांति होती है, जो एक परिवर्तन होता है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तो वो एक उनका जो रिव्यू होता है जबरदस्त होता है। तो आप इस पुस्तक को पढ़ के बिल्कुल अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए आप इस बात से समझिए, इस बात को मानिए कि ब्रह्मचर्य नाश करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। चाहे वो कोई कितना बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो आपको बोले कि वीकली 2 या 3 बार यदि आप अष्टमैथुन करते हो तो गलत नहीं है, ये बात दोस्तों बिल्कुल गलत है। ब्रह्मचर्य नाश के लिए हमारे वेदों में बिल्कुल कहा गया है, जो वीर्य नाश यदि हम करेंगे इसे हमारे शरीर के अंदर धातु का नाश होगा। 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेघ, शुक्र, जो इसको वीर्य बोलते हैं। दोस्तों इस जो धातुओं का सभी का निचोड़ है, यदि इस धातु को आप वैसे वेस्ट करेंगे तो आप जल्दी बीमार हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आपके अंदर बहुत सी कमियां हो जाएंगी, इसके लिए आप बाद में पछताओगे। तो अभी समय है, अपने आप को रोकिए, अपने आप को संभालिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप सच में अष्टमैथुन छोड़ना चाहते हैं तो ये पुस्तक पढ़ लो, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, अभी मार्च की स्टार्टिंग है, अभी से हमने 2024 का लेटेस्ट एडिशन ले आए हैं हम। ये आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय आयुर्वेद, जय भारत।